हेलो फ्रेंड, चाणक्य अकेडमी में आपका स्वागत है। बहुत ही बड़ी अपडेट व्यापम की तरफ से, बहुत ही बड़ी अपडेट महिलाओं के लिए, बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी, बहुत ही बेहतरीन मौका। महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से खुली एवं सीधी भर्ती एवं परिसीमित और सीधी भर्ती, इसका अपडेट आ चुका है साथियों, आप देख सकते हैं। ठीक है, आपका आवेदन फॉर्म भरना आज से 5 जुलाई से आपका फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। आज से, आज बुधवार है, आज से 5/7/2023 से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। और फॉर्म भरने की अंतिम तिथि देख लीजिए साथियों, क्योंकि अंतिम तिथि ही इम्पॉर्टेंट है, आप भूल जाते हो। 30/7/2023 जो है फॉर्म भरने की, ठीक है साथियों, 30/7/2023 ही फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है। और आगे है साथियों, देखिए त्रुटि सुधार जो है 31/7/2023 से 2/8/2023 तक आप जो है त्रुटि सुधार कर सकते हैं। बहुत ही बड़ी अपडेट है व्यापम की ओर से, आप व्यापम के साइड में जाकर ये फॉर्म जो है आप फिल कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका महिला एवं बाल विकास की ओर से महिलाओं के लिए हम इस पर पूरी चर्चा करेंगे, क्या योग्यता है, क्या है, हर डिटेल जो है इसमें चर्चा करेंगे। थोड़ा सा मैं यहाँ पर बता देता हूँ, योग्यता खुली एवं सीधी भर्ती के लिए, खुली एवं सीधी भर्ती के लिए आपका क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन। ठीक है फ्रेंड्स, कोई भी आपका सब्जेक्ट हो, ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, और परिसीमित सीधी भर्ती तो ये जो है सहायिका, जो वर्तमान में कार्यरत सहायिका है उनके लिए है, और उनके लिए जो है 12th पास होना चाहिए, 12वीं पास सहायिका जो है उसमें अप्लाई करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं कितना पद है, क्या है, कैसा है सिलेबस, क्योंकि सिलेबस में बहुत बड़ा बदलाव है। ठीक है फ्रेंड्स, तो थोड़ा सा देख लेते हैं पद को जो है थोड़ा सा। ठीक है, आपका कुल जो है 440 पद आया हुआ है महिला एवं बाल विकास की ओर से। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए आगे, खुली एवं सीधी भर्ती में आपका 220 पद है। ठीक है फ्रेंड्स, कितने पद हैं, 220 पद। उसमें भी आगे देख सकते हैं, मुक्त पद कितने हैं, 92 पद हैं। ठीक है, और आपका जो है अनुसूचित जाति में 26 पद है, और अनुसूचित जनजाति में है आपका 71 पद, और अन्य पिछड़ा वर्ग में जो देखे साथियों 31 पद हैं। तो कुल सीधी भर्ती, खुली भर्ती आपका 220 पद है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें जो है 220 पद है, इसमें कोई भी महिला जो है स्नातक होना चाहिए, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसी तरह आगे देखिए, परिसीमित सीधी भर्ती ये सहायिका के लिए है। ठीक है फ्रेंड्स, ये किसके लिए है, सहायिका के लिए, जो वर्तमान में कार्यरत सहायिका है उनके लिए है ये परिसीमित सीधी भर्ती, उनके लिए भी 220 पद है। ठीक है फ्रेंड्स, मुक्त जनरल कैटेगरी के लिए 92 पद है, अनुसूचित जनजाति के लिए 70, और अनुसूचित जाति के लिए 27, और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 31 पद जो है आरक्षित किए गए हैं। ये महिलाओं के लिए है फ्रेंड्स, जो भी महिलाएं आपका सहायिका के रूप में कार्यरत है वो परिसीमित सीधी भर्ती का फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, दिव्यांगजनों के लिए भी पद जो है आरक्षित किए गए हैं। तो ये बहुत बड़ी अपडेट जो है आज निकल कर आई है साथियों, तो ये महिलाओं के लिए बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं सिलेबस में बहुत बड़ा बदलाव है। देखिए फ्रेंड्स, सिलेबस में बहुत बड़ा बदलाव है, पिछले साल जो महिला एवं बाल विकास का जो भर्ती हुआ था उसमें आपका सिलेबस 200 नंबर का होता था। ठीक है फ्रेंड्स, 200 नंबर का, लेकिन इस बार जो भर्ती आई है इसमें खुली एवं सीधी भर्ती में सिर्फ 100 नंबर का होगा। कितने नंबर का, सिर्फ 100 नंबर का, देख सकते हैं साथियों, और क्वेश्चन भी 100 ही रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, 100 प्रश्न 100 नंबर का। ठीक है, तो देखिए आपका क्या क्या रहेगा, तो पहला सब्जेक्ट है महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित योजनाएं, जो महिला एवं बाल विकास से विभाग से जो योजनाएं आती है वो आपका 20 नंबर का आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए दूसरा क्या है, सामान्य योग्यता एवं सामान्य ज्ञान, जो सामान्य योग्यता और सामान्य ज्ञान है उसका आपका 40 अंक का क्वेश्चन आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और आगे देखिए, सामान्य हिंदी एवं सामान्य भाषा ये आपका 15 अंक का रहेगा, और जनरल इंग्लिश जो है 10 अंक का रहेगा, और सामान्य गणित आपका 15 नंबर का रहेगा। ये सीधी भर्ती के लिए है साथियों, सीधी भर्ती के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए ये सिलेबस है, सिलेबस में बहुत बड़ा बदलाव है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए, जो परिसीमित सीधी भर्ती के लिए जो अप्लाई करेंगे उनके लिए देखिए सिलेबस में थोड़ा सा चेंज है। महिला एवं बाल विकास विभाग से जो
जो सब्जेक्ट है उनका, उससे 60 अंक का क्वेश्चन आएगा, और सामान्य योग्यता एवं सामान्य ज्ञान से सिर्फ 15 अंक का, हिंदी और छत्तीसगढ़ी भाषा से 10 अंक का, इंग्लिश आपका 5 अंक का रहेगा, और सामान्य गणित जो है 10 अंक का रहेगा। तो कुछ इस तरह का जो है आपका सिलेबस, नया पैटर्न का सिलेबस आया हुआ है साथियों, और 100 नंबर का रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स, 100 अंक का जो है क्या है आपका रहेगा, ठीक है साथियों। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आपको नई नई अपडेट मिल सके, और भी महिला विभाग से संबंधित और भी जो जानकारी है मैं आप तक पहुंचाते रहूंगा, ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।